मैंने कह दिया ना कि छुट्टी वाले दिन बिक्री ज्यादा होती है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी बंद। आज से हमारा जनरल स्टोर छुट्टी वाले दिन भी खुला करेगा, और अगर तुमने छुट्टी करने की कोशिश की बच्चों, तो मैं तुम्हारी हमेशा के लिए छुट्टी करा दूंगा। समझे? चलो जाओ, काम शुरू करो। हमारी प्यारी लाडली और इकलौती बेगम बिल्किस खानम सुबह सुबह किधर जा रही है? जरा तमीज से। मैं तुम्हारी बेगम ही नहीं, ख्याली निस्वा यूनियन की सेक्रेटरी नशरवशात भी हूँ। I'm sorry, मुझे अफसोस है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी इकलौती बेगम बिल्किस खानम सुबह सुबह किधर जा रही है? थैंक यू, वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की सास पात हो गई है। मैं जरा अफसोस के लिए जा रही हूँ। अफसोस के लिए? अफसोस के लिए? मगर आपकी तैयारी से तो लगता है कि जैसे आप बन ठन के वहां मेहमान खुसूसी बनकर जा रही हो। ओ बिलाल, एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखना, चेयरपर्सन भी मैं होंगी और मेहमान खुसूसी भी मैं हुआ करूंगी। अरे बेगम, ये चेयरपर्सन होना निरी खज्जल खराबी है, जो है जरा उनसे पूछ कर देखो। यानी के मुफ्त की टेंशन? मुफ्त की नहीं बिलाल, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कराने का वादा करके अंदर खाते उन्हें पेनल्टीज डालेंगे और पैसे कमाएंगे। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कहीं चाय ना पिलानी पड़ जाए, अभी आमदनी शुरू नहीं हुई, खर्चा पहले। मैं खुद देखता हूँ। हेलो, यस, बिल्किस बानो स्पीकिंग। ओ यस, आई एम रेडी। ओके ओके, आई एम कमिंग, जस्ट ओनली 10 मिनट। ओके, बाय बाय। भाभी बिल्किस, जल्दी में है ना? अब सुनाओ मेरे यार मलक नजीर अहमद उर्फ चीरा, पिंड का क्या हाल? पिंड की क्या सुन रहा हूँ? क्या है? आज सवेरे सवेरे इसकी माँ ने बहुत उदास होकर मुझसे एक बात की जो मुझे लड़ गई है। यानी कि खुद नहीं लड़ी तो बात लड़ा दी। ये औरतें होती बड़ी तेज है। खैर, फिर भी हमारी प्यारी भाभी ने क्या कहा? वो कहने लगी कि अल्लाह का हम पे करम है, जो दादे हैं, जमीने हैं, मरबे हैं, इतने नोट हैं, लेकिन हमारे पुत्र की आंखें खराब है और इसका अब तक ब्याह भी नहीं हुआ।
मैंने उसे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं अपने यार मलाल के पास जाता हूँ। मलाल नहीं भाई साहब, बिलाल। हाँ, बिलाल के पास जाता हूँ, उससे मशवरा लेता हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो मेरे पुत्र की आंखें जो है वो ठीक हो जाएंगी। वो तो ठीक है, लेकिन शहर के खर्चे बड़े होते हैं भाई साहब। खर्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बी मरबो का अल्लाह की रहमत से मकल्ला मालिक हूँ। ये रुपया 50,000 रखो, और चाहिए होगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर मेरे पुत्र की आंखें खुल जानी चाहिए। इसे देखकर तो मेरी आंखें खुल गई है। हैं? चचे, आप भी पहले मेरी तरह ही थे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बाद में से बात निकाल रहा था। अच्छा अच्छा, अब्बा मुझे पता ही नहीं चला। लग जाएगा पुत्र। हेलो भाई, अब तुम दोनों बाप बेटा नहा धोकर फ्रेश हो जाओ। हाँ ये ठीक है। हेलो कुमाले, पुत्र पहले ये तो पूछ ले के जाना किधर। बस सारा शहर गलत बना हुआ है इधर। क्यों? 2 कदम के बाद टक्कर बज जाती है। तो आप मेरे साथ आए ना, सारा घर आपका, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। ये सामान मुलाजिम ने उठाना है। मुलाजिम की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। अगे लगो आजा पुत्र, आजा। ठीक जा रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, बेफिक्र हो आ जाइए। शाबाश, अरे बेफिक्र होके आ जाए, बैठे 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 आ जाइए भाई साहब। मेहरबानी। मैंने कहा कि होटलों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, इसे अपना ही घर समझना है। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, बल्कि आराम कीजिए, मैं कमाले बेटे के लिए डॉक्टर लेकर आता हूँ। एक मिनट चाचे, एक मिनट। अब्बा, चाचे को सारी गल सच सच बता दे, ये ना हो बाद में हमको इल्जाम दे। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरे पुत्र कमाले के साथ एक मसला है। मसला? वो क्या? वो ये कि जो डॉक्टर या हकीम इसका इलाज करता है वो या पागल हो जाता है या मर जाता है। शुक्र है मैंने खुद ही इलाज नहीं शुरू कर दिया है जी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शुक्र है कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर निकल आया, डॉक्टर फाजली। वो डॉक्टर भी है, हकीम भी है, और होम्योपैथिक भी है, यानी कि 3 in 1। बस यूं समझो कि बड़ा पहुंचा हुआ है। कहाँ तक पहुंचा हुआ चाची? अरे बेटा, अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंच जाएगा। और जो ही डॉक्टर पहुंचा, तुम समझो कि तुम्हारा इलाज हो गया। आप भी बेफिक्र हो जाए, समझे डॉक्टर पागल हो गया। वो ये ठीक कहता है, पिंड में 2 सियानों ने इसका इलाज किया था, एक पागल हो गया, दूसरा मर गया। अरे भाई साहब, ये सब कहने की बातें हैं। और नहीं चाचे, ये सब कहने की बातें नहीं है, ये सारी बातें सच हैं। अगर आपको यकीन ही ना आता तो मुझे एक पूड़ी दे के देख ले। नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर फाजली ही देगा। लीजिए, आप दोनों हजरात आराम कीजिए, फ्रेश हूँ, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ, और कमाले बेटे के लिए डॉक्टर लेकर आता हूँ। अल्लाह भला करे इसका। अबा, मेरी कड़ी में टाइम क्या हुआ? पुत्र टो के देख ले। अब्बा, आप तो बच्चे का त्राही निकाल देते हो। वो अब्बा, मैं तुझको हीरो लगता हूं। ए मेरे सोनिया पुत्रा, दुनिया के हर मां प्यो को उसका पुत्र हीरो ही लगता है। नहीं नहीं, मैं वहीद मुराद लगता। ओए अल्लाह से खैर की दुआ मांग। अब्बा सुनाऊं जरा। और नहीं अब्बा, तेरा भी किधर ध्यान चला जाता है? तेरे कहने का मतलब है बाहर टीवी चल रहा है, मैं उधर गाना सुना हूं। चला, मैं तुझे छोड़ा। नहीं नहीं अब्बा नहीं, तू तकलीफ ना कर, मैंने इस घर की सारी मालूमात कर लिया, मैं हिल गया हूं इधर, मैं बड़ा जहीन हो गया, मेरे रस्तों का पता चल गया मुझे। अच्छा हाँ, चल फिर ध्यान से चला जा। अच्छा जाऊं? अब्बा मैं हीरो लगता हूं ना, मैं जाऊं अब्बा। क्या हुआ अब्बा? क्या हमसे? मैं तो अभी चला ही नहीं अब्बा। अच्छा,
यार ये गाना चेंज करो प्लीज। ओ क्यों बदल दिया जी गाना, इतना अच्छा तो गा रही थी वो। तुम ना, तुम कौन और ये मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? ओ जी मेरा नाम जी कमाल है। तुम कमाल हो या जमाल, जो कोई भी हो, तुम्हें नहीं पता कि दरवाजा नौकर के अंदर आते हैं? लेकिन तुम ये बताओ कि यहाँ क्या लेने आए हो? ओ जी मैं ना गाना सुनने आया था, दरअसल ना मैं। I say get out, you stupid, तुम्हें सुनाई नहीं देता? चाचा ने तो कहा था तेरा इलाज इधर ही होगा। चाचा जी? ये किस चाचा जी की बात कर रहे हैं? अरे वही जो इस घर में फिरता टूरता है। अब मैं अपने अब्बे को तो चाचा नहीं कह सकता ना। हमारा मतलब है कि तुम अंकल बिलाल की बात कर रहे हो? अब हाँ वही वही वही, वो मेरे चाचा है। अच्छा ठीक है, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। जाता हूँ जी जाता हूँ, मैं तो गाना सुनने आया था। अब तो अब्बा भी सो गया होगा, तो ना उसे लोरी सुन लेता मैं। आ जाती है बटिया। सुनो, जब तुम्हें नजर नहीं आता तो गाना सुनने क्यों निकले? अच्छा आप भी पागल ही हैं, और गाना कानों से सुना जाता है कोई? तुमको इतना किसी ने नहीं बताया? ये शहर में क्या पढ़ाते हैं तुमको उस्ताद? बस बस अब जाओ यहां से, खुदा के लिए बोलना मत। और नहीं मैं बोलता, डैडी आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। और मेरा भी चाचा आता है तो मैं अपने चाचे से बात करता हूँ। बड़ी आई पता नहीं है कौन, सारा शहर ही गलत बना हुआ है। पता नहीं कैसे कैसे लोग घर में आए। लेकिन ये देख कहाँ रहा था? तुम्हारी तरफ। नहीं नहीं तुम्हारी तरफ। सोनी, ओ सोनी। जी आई मैडम जी। जी मैडम जी। अरे ये तुम क्या बनी हुई हो? और मेरी विक क्यों इस्तेमाल की तुमने? वो मैडम जी, इस साले में ना एक हीरोइन ने लगाई थी तो मैंने सोचा मैं भी लगा लूं। हीरोइन लग रही हो ना? और तुम तो हीरोइन नहीं हो। मैडम जी किस्मत का क्या पता, कब हीरोइन बन जाऊं, बस आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छा अच्छा, हीरोइन बाद में बन जाना, पहले मेरे लिए चाय बना कर लाओ। और सुनो ये विग उतारो, फौरन मेरी विग उतारो, खराब हो जाएगी। जी मैडम जी, मैं अभी गई आपके लिए अच्छे से चाय बना के लाती हूँ। गल सुनो, एक कप मेरे लिए भी बनाना, बड़ा दिल कर रहा है मेरा। देखने में तो अंधे हो, हरकतें देखो। मेरी बिस्ती में बिस्ती हो रही है, मैंने नहीं इलाज उलूज कराना, मैं आज ही चला जाऊंगा अपने पिंड। अब अभी पता नहीं किधर चला गया। कवाले कवाले बेटे मुबारक हो, डॉक्टर ने तुम्हारे इलाज की हामी भर दी है। मैंने कोई नहीं इलाज उलूज कराना इधर शहर में। मैं आज ही अपने पिंड जा रहा हूँ वापिस, अपने अब्बे को लेके। यहाँ मेरी बिस्ती है, मैंने उसको कहा भी कि मेरे चाचे का घर है, मेरे चाचे का घर है, उसने फिर मेरी खिंच के बेइज्जती की है। मैं नहीं रहना इधर। मैं बेटा ये रास्ता किधर जा रहा है? ये कहीं नहीं जाता, ये तो सामने से बंद है बेटा। अच्छा मुझे रास्ता दिखाओ। रास्ता तुम इधर चले जाओ बेटा, ये लारी अड्डे पहुंच जाऊंगा ना। पहुंच जाए तुम्हारे कमाल हो गया, ये नहीं लगता है घर वालों ने कुछ किया है। अच्छा भला खेल बिगड़ जाएगा और इतनी अच्छी असामी हाथ से निकल जाएगी। क्या तोड़ दिया, कहीं 50,000 रुपए मेरे इसी नुकसान में ना पूरे हो जाए। बेगम। ओके तानिया, क्या आप जा रही हो? हाँ असल में अब्बू का लंदन से फोन आना है और बुआ घर में अकेली होगी। चल ठीक है, लेकिन कल कॉलेज में मुलाकात हो रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओके फिर, ओके खुदा हाफिज। ओ कोई बात भी करोगे? क्या बात करूं, ये क्या गजब करने लगी थी तुम दोनों? तुम्हें पता है वो कितनी बड़ी आसामी है? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा दोस्त मलिक अब्दुल नजीर 20 मुरब्बों का मालिक है और उसका एक ही एक बेटा है जिसकी वो आंखें ठीक कराना चाहता है और हर कीमत पर। उसे तो खुद कुछ पता नहीं है, जो कुछ भी करना है हमने करना है।
ओफो डैडी, मैं तो समझे कोई गरीब से होंगे। वैसे ये 20 रुपए होते कितने? ये हिसाब किताब बाद में कर लेना, पहले चल के उनको रोको, वो नाराज होकर घर से जा रहे हैं। ओफो, लेकिन हम उन्हें कैसे रोकेंगे? कैसे रोकते हैं भाई, झूठ मूठ के लाड से और माफी मांगकर? नेवर, मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। नहीं मांगोगी? तो ठीक है फिर, ले लेना तुम भी नई गाड़ी और तुम भी अपने लिए डायमंड का हार। ओके चलते हैं फिर। चलो गुड, आओ मेरे साथ। आप हमें माफ कर दें और प्लीज मुझे भी माफ कर दें। आई एम सॉरी कमाल, पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या कह गई आपको। मुझको तो पता है ना तुमने मुझको क्या कुछ कहा। अबा, इसने मुझे गुस्से में कहा कौन कमाल तो कौन जमाल, तो किधर मुंह चुके अंदर आ गए, बाहर दफा हो जाओ। तो पता नहीं अंग्रेजी ने भी कुछ कहा था, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा इस वक्त। खैर वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मुंह पे नहीं चढ़ा। अब गुस्सा थूक दो बेटा, इन्हें पता नहीं, ये नादान लोग हैं, ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, ये समझे कि तुम कोई मतलब कोई कमी कमीन हो। और तुम्हारे अब्बा को ये कन्वेलियन समझ बैठी थी, लेकिन अब मैंने उनको बता दिया कि तुम बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो, मुरब्बों के मालिक हो और मेरे दोस्त के इकलौते बेटे हो। अब आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होगी। और देखे ना, हम अपने रवैये की माफी भी तो मांग रहे हैं ना पुत्र। हाँ बा, क्या ख्याल है तेरा? अरे अब्बा, वो जिसने मुझे बुरा भला कहा था वो इधर खलोती हुई है। यही हूँ। इसकी दिलेरी देखो, कह रही है मैं इधर ही हूँ। अब्बा, ये माफी मांग रही है कि नहीं? पुत्र, शक्ल से तो शर्मिंदा शर्मिंदा लग रही है। हाथ जोड़े हैं इसने? हाथ जोड़े हैं। अच्छा चल अब्बा, फिर माफ कीता। अरे शाबाश बेटा, जीते रहो। वैसे भी लड़ाई झगड़ा भी अच्छी बात नहीं होती। अब फादरी साहब आने वाले हैं और इंशाल्लाह तुम देखना उनके इलाज के बाद तुम सुनने के साथ साथ देखने के काबिल भी हो जाओगे। भाई मलाल मलाल बिलाल, अगर ये सच हो जाए तो मैं तुम्हारा मुंह सोने की डलियों से भर दूंगा। ओए अब्बा, और चाचे का मुंह तो तू सोने की डलियों से भर लेगा, और मेरा पेट खाली है उसका क्या करेगा, मुझे भूख लगी हुई है। मैं खुद अपने हाथ से बनाकर लाती हूँ खाना, मैं अभी लाई है। काकी बिल्कीस। काकी नहीं भाभी। पापो, मेरे लिए कच्ची लस्सी। कच्ची क्यों जी, वो पका के लाएगी अच्छी तरह काट के। हम नीचे क्यों करो, अपने कमरे में चले ना। मुझे इसकी आंखों की हालत बहुत खराब है, मेजरेबल कंडीशन। छोटे जी सर, फार्मूला C 41 41/6 का 9/8 नेगेटिव पॉजिटिव मिला के 41/5 दे दो मुझे। सर कान में डाल सकते हो कि मैं ही डाल दूं? इधर हो जाओ। वहां आंखें खराब है, कान में दवाई? मत बोलो मत बोलो बेटा, तुम्हारा जहन भी खुल जाएगा इससे। ये सारा सिस्टम तुम्हारा है, ये खुल जाएगा। अच्छा? ये एक ही चीज है, ENT से कहते हैं। छोटे जी सर, पट्टी कर दो पेशेंट को, पट्टी। जी सर, फौरन। भाई हमारी चाय किधर है? तुम्हें तो पता है कि जब मैं कोई पेशेंट देखने जाता हूं तो चाय पीता हूं। चाय मंगवाओ। चाय! क्या हुआ अब्बा,
कुछ नहीं पुत्र, वो तू चाय पिंड से मंगवा रहा है? ये ले जी चाय। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसको कोई परहेज वगैरह करवाना है? जो कुछ करना है हमने करना है, आपने कुछ नहीं करना। जो कुछ हमने करना था वो कर दिया है। दो दिन तक ये पट्टी खुलेगी नहीं, ऐसी ही रहेगी। इसका खाना पीना बंद, ठीक। और इसके कान सुनने के लिए बेताब होकर जोर मारेंगे, इसकी आंखें कुछ ढूंढने के लिए शोर मचाएंगी, और हैरत अंगेज तौर पर आप देखेंगे कि ये देख सकता है। अगर दवाई ज्यादा असर कर गई तो आप देखेंगे कि बहुत दूर तक देख सकता है। इसका मतलब है ये घर बैठा बाहर भी देख सकता है? नहीं, इसके लिए मैं रिस्क लेकर इसके कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जितना आपने कर दिया यही काफी। अच्छा भाई, अब इजाजत। वो ऐसा है, एक हदायत सुन ले। किसी साहब की आंखें, नाक, टांग खराब हो, उसके करीब बैठे इसके हवाई असर से वो ठीक हो जाएंगे। छोटे जी सर, याद रखना रास्ते में शेख साहब की भैंस बीमार है, उसको देखते हुए जाना है, सवाब का काम है। आओ बंद कर लो इसको। जी सर। जब काम खत्म होगा तो बंद कर लेते हैं इसे। तुम्हें बंद करना पड़ेगा यार, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। जी इधर इधर। अच्छा लो जी, अब मैं पट्टी खोल ले लगा। ये मेरा पुत्र है, सबसे पहले मुझे देखेगा? जी नहीं, क्योंकि डॉक्टर फाजली को मैं लेकर आया हूँ, इसलिए ये सबसे पहले मुझे देखेगा। नहीं, कल फैशन शो में खुसूसी दुआ मैंने करवाई थी, इसलिए पहले मुझे देखना होगा। और ये जो मैंने इतना महंगा मेकअप करवाया ब्यूटी पार्लर से, ये सबसे पहले मुझे देखेगा? नहीं, ये सबसे पहले मुझे देखेगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर को चाय बुलाई थी। अच्छा भाई, मैं अब पट्टी खोले लगा हूं, आप सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। फिर उसके बाद इससे पूछेंगे कि ये सबसे पहले खुद किसे देखना चाहते हैं। लीजिए जी, या शाफी या शाफी या शाफी, इसके कानों में काफी, इसके कानों में काफी, इसकी आंखों में। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उत्तर है अब्बा? बोलता क्यों नहीं अब्बा? अब्बा, अब्बा, इसको किसने लाया? मेरी पट्टी किसने खोल दी? अब्बा बोलता क्यों नहीं तू? अब्बा, तुझे आंखों से नजर आ रहा है? अब्बा किधर है तू? अब्बा, भाई मलाल। मलाल नहीं, बिलाल। इस डॉक्टर का बेड़ा गर्क हो गया, मेरे पुत्र को नजर पहले ही नहीं आता था, अब तो इसके कान भी गए।